कद्दू का नाम सुनते ही अक्सर लोगों की नाक सड़ जाती है, लेकिन कद्दू के साथ इसके बीज भी लाभदायक है। इसका सेवन करने से बड़ी बीमारियों से दूरी बनाने में मदद मिलती है। कद्दू में और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इन्हें अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। कद्दू के बीज के एक नहीं अनेक फायदे होते हैं। इसमें आयरन, कैल्शियम, फोलेट, बीटा कैरोटीन, B2 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डायबिटीज मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कद्दू के बीज से होने वाले फायदों के बारे में। पहला, कद्दू के बीज ऑक्सीडेटिव को कम कर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके सेवन से शुगर लेवल बना रहता है। इन बीजों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दूसरा, कद्दू के बीज में काफी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिसे खाने से आपको बेहद कम भूख लगेगी और आपके वजन पर भी कंट्रोल रहेगा। साथ ही अनहेल्दी चीजें खाने की आदत पर भी विराम लगेगा। तीसरा, कद्दू के बीज में मौजूद क्यूक्रोबिटासिन होता है, वह अमीनो एसिड के प्रकार का होता है, जिससे बाल बढ़ने में मदद मिलती है। स्केल्प पर भी कद्दू के बीज का तेल लगा सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन एक मुट्ठी कद्दू के बीज का भी सेवन करें। चौथा, इसमें विटामिन ई और कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से सूजन में भी आराम मिलता है और कोशिकाओं को भी बचाता है। पांचवा, इसमें भरपूर मात्रा में वसा, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है, जो दिल के लिए सेहतमंद होता है। बीज का सेवन करने से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करने में मदद मिलती है। इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। छठा, मानसिक तनाव की वजह से कई लोगों को नींद ठीक से नहीं आती है। जी हाँ, समय से पहले ही नींद खुलने लग जाती है। ऐसे में कद्दू के बीज का सेवन जरूर करें। इसमें मौजूद सेरोटोनिन अच्छा होता है, जिससे प्राकृतिक नींद आने लगती है। सातवां, महिलाओं में गठिया दर्द आम बात हो गई है, लेकिन लगातार दुखने से मन भी नहीं लगता है। कद्दू के बीज का तेल लगाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।